अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसान दानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ब्रैकेट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि किस तरह से फाइवर पे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, किस तरह से गिग बनते हैं और किस तरह से बाकी चीज़ें चलती हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर का मकसद ये है कि हम फाइवर से जो कुछ भी अर्न करते हैं उसको विड्रॉ किस तरह से करवाते हैं, तो उस विड्रॉल के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो फाइवर यहाँ पे तीन ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है अपनी अर्निंग्स को विड्रॉ करवाने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है पेपाल, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और तो उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे फाइवर रेवेन्यू कार्ड का, वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास पियोनियर अकाउंट, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो किस तरह से पायोनियर कार्ड बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी एक जीमेल अकाउंट आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगी कि आपके पास एक बैंक अकाउंट लाजमी होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, उस बैंक अकाउंट का आई बैन नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपका आई बैन नंबर क्या है तो आप अपनी चेकबुक के ऊपर वो चीज़ देख सकते हैं कि आपके अकाउंट का आई बैन क्या है, या फिर आप जाके अपने बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको आपके अकाउंट का आई बैन नंबर दे देंगे। चौथी चीज़ हमारे पास यहाँ होनी चाहिए एक आईडी कार्ड नंबर। तो ये चार चीज़ें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप पियोनियर अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर होने वाला है पियोनियर अकाउंट बनाने के लिए, तो वो हम चले डिस्कस करते हैं, चलते हैं मेरे लैपटॉप के अंदर। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक दूंगा, आपने सिंपल वो लिंक कॉपी करके यहाँ अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करके एंटर कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपके अकाउंट के अंदर $1,000 की ट्रांजेक्शन आ जाएगी तो आपके पास क्या होगा, $25 आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो इस लिंक से आपको ये फ़ायदा होगा। वो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से फॉर्म नज़र आएगा, यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स पुट करनी है। अब यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए मैं ओरिजिनल डिटेल्स नहीं डालूंगा, फेक डिटेल्स डालूंगा जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ साकिब नासिर, राइट। और यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल डाल देता हूँ, लेट्स सपोज लाइक दिस, या मैं कोई भी टेम्प मेल, आपने अपनी ही मेल डालनी है, ओरिजिनल मेल डालनी है। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये ईमेल डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी ईमेल पिक कर लेता हूँ टेम्परेरी। यहाँ पे मैंने ईमेल एंटर की, यहाँ पर ईमेल दोबारा से एंटर कर दी मैंने, ओके। और यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, लेट्स से मैं कह देता हूँ 1997, 1/1/1997, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ से हमने पाकिस्तान, और यहाँ पे आपने एड्रेस इनपुट करना है। लेट्स सपोज मैं एड्रेस इनपुट करता हूँ उमर हाल रूम 104 बहावलपुर, आपने अपना ओरिजिनल एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस होगा। यहाँ पे आपने जिप कोड डालना है, लेट्स से बहावलपुर का है 6300। अगर आपको नहीं पता कि आपका जिप कोड क्या है तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं अपने सिटी का नेम, लेट्स से बहावलपुर पोस्टल कोड। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आप अपने सिटी का पोस्टल कोड देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने नंबर इनपुट करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे 143 की बजाय मैं 2 कर लेता हूँ डमी। और नेक्स्ट आगे इस ऑप्शन पे आपने क्या करना होता है, अपने पासवर्ड सेट करना होता है। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे कुछ भी रख लेता हूँ, पासवर्ड मैंने सेट कर लिया। और यहाँ पे आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मर, कुछ भी लिख दें आप, कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नेशनल आईडी कार्ड यहाँ पे आपने इनपुट करना है, लेट्स से मैं करता हूँ अह
उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा है आपके पास, आपने सेम टू सेम ये फिल आउट करना है और नेक्स्ट। पासवर्ड मैंने ज़रा गलत दिया है तो यहाँ पे मैं इसके अंदर इजाफा कर लेता हूँ। आपने अपर केस, लोअर केस और नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स, इन चारों का मिक्सचर बना के तब आपने पासवर्ड जनरेट करना है। 5JE ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होता है। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि मेरा अलाइड बैंक है, या कोई भी बैंक हो आपका वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आई बैन, 24 डिजिट का आई बैन नंबर होता है। यहाँ पे मैंने एक रैंडम आई बैन रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसी फॉर्मेट में होगा ऑलमोस्ट, कि अगर कोई और बैंक है तो ये चीज़ें बस चेंज होंगी आपकी, ये वाली चीज़ें। तो मतलब इस फॉर्मेट के अंदर 24 करेक्टर्स का आई बैन होता है जो आपको आपके बैंक से मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पे इनपुट करना और एग्री एग्री पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, सबमिट कर देना। यहाँ पे अकाउंट नेम, सॉरी वो मैं डालना भूल गया, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अकाउंट नेम डाल देता हूँ साकिब। अकाउंट नेम का मतलब ये है वो नेम जो आपके बैंक अकाउंट पे लिखा हुआ हो, या जब आप बैंक अकाउंट पे बनवाने गए हों तो वो नेम आपने यहाँ पे इनपुट करना, और उसके बाद सिंपल आपने सबमिट कर देना है। प्लीज़ फिल अ वैलिड इन, ये मैंने रैंडम जनरेट किया है तो इस वजह से शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो 24 डिजिट का आप भी यहाँ पे आई बैन नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने क्या करना है, वेट करना है 1 से 2 दिन, आपको ईमेल आएगी पियोनियर की तरफ से। उस ईमेल के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, या आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका होगा डायरेक्टली, या फिर वो आपसे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसा कि आपका आईडी कार्ड की पिक्चर। तो आप सिंपल अपने मोबाइल से आईडी कार्ड की पिक्चर खींच के वहाँ पर उस ईमेल के साथ अटैच करके उन्हें सेंड कर सकते हैं, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट मांगेंगे। पॉसिबली यही है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ वो लोग आपके आईडी कार्ड की पिक्चर मांगे। उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, कम्प्लीटली बन चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उस पेयोनियर अकाउंट को आपने अपने फाइवर अकाउंट के साथ अटैच करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।